हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक परफ्यूम का रिव्यू शेयर करूंगी जो है नायका का। एंड नायका ने रिसेंटली ही परफ्यूम लॉन्च किया है लव स्ट्रक। एंड इस लव स्ट्रक परफ्यूम्स में आपको टोटल 6 to 7 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। सो आज मैं जिस वेरियंट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है स्टॉल एंड ग्लैंस। एंड इसे जो है, ये जो परफ्यूम है, इसे मैंने नायका के स्टोर पर जाकर परचेजिंग की है इस परफ्यूम की। तो सबसे पहले मैं आपको इसके पैकेजिंग के बारे में बता दूं। ये इसका आउटर पैकेजिंग है एंड ये इसका इनर पैकेजिंग है। सो इसके जो आउटर पैकेजिंग है काफी मिनी सा है। जो स्टॉल एंड ग्लैंस होता है वो लाइट स्काई ब्लू कलर का होता है उसका कार्डबोर्ड की पैकेजिंग। एंड नीचे सब कुछ मेंशन किया होता है, इंग्रेडिएंट्स, प्राइस, सेल्फ लाइफ वगैरह सभी कुछ। सो ये जो परफ्यूम है इसकी जो क्वांटिटी है 50 ml है, जैसा कि आप देख सकते हो क्वांटिटी कम है, बट नायका का मुझे ये परफ्यूम अफोर्डेबल लगता है, पॉकेट फ्रेंडली लगता है। इसकी जो प्राइस है 699 का है। एंड इस परफ्यूम में मुझे किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं मिला। शेल्फ लाइफ की बात करूँ तो 3 साल की मिल जाती है। एंड खास बात के ये क्रुएल्टी फ्री है, वेगन है एंड नो एनिमल टेस्टिंग है ये जो परफ्यूम है ये। एंड अच्छी है, बढ़िया पैकेजिंग है। एंड मुझे इसकी जो इनर पैकेजिंग है ये बहुत ही अच्छी लगी। काफी मिनी सी है, छोटू सी है, ट्रेवल फ्रेंडली है। आप इसे ट्रेवलिंग में इजीली कहीं पर भी ले आ जा सकते हो, ज्यादा स्पेस नहीं लेगी, आप अपने बैग्स वगैरह में भी कैरी करके लेकर जा सकते हो। जो कुछ भी इस आउटर पैकेजिंग में मेंशन है वो सभी यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया है। एंड इसका जो कैप है काफी बढ़िया है, क्लासी है। लुक वाइज मुझे इसकी इनर पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर नायका मेंशन किया गया है। सो अगर मैं इसके फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो इसका जो फ्रेग्रेंस है ज्यादा लाइट भी नहीं है एंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, मीडियम है। जस्ट लाइक हल्की हल्की स्वीट सी भी फ्रेग्रेंस आती है एंड थोड़ी बहुत स्ट्रांग फ्रेग्रेंस भी कहेंगे। जस्ट लाइक अगर मैं इसके फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो जो बॉयज के परफ्यूम होते हैं, मैन परफ्यूम्स, थोड़ी बहुत उसके जैसी फ्रेग्रेंस लगी मुझे। एंड अगर मैं इस परफ्यूम के स्टे करने की बात करूँ, कितने घंटे तक ये स्टे करता है, इसका जो स्टेइंग पावर है, तो ये कम से कम हम 1 आवर ही स्टे करता है हमारे बॉडी पर। बिकॉज के इसका जो फ्रेग्रेंस है 1 आवर के बाद, 1 घंटे के बाद उड़ जाता है, ज्यादा देर तक नहीं रहता। एंड मैक्सिमम ये 1 से 1.5 घंटे तक ही स्टे करता है। सो ये जो नायका का स्टॉल एंड ग्लैंस परफ्यूम है तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है ठीक है, बहुत ज्यादा खराब नहीं कहेंगे, ठीक है, मीडियम है, ज्यादा लाइट वेट, लाइट भी नहीं है एंड ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, बट स्टेइंग पावर इसकी बहुत कम है। अगर हम इसे स्प्रे करते हैं बॉडी पर तो कपड़ों पर वगैरह, तो ये 1 घंटे से ज्यादा स्टे नहीं करता है, इसकी फ्रेग्रेंस जो है उड़ जाती है। सो गाइज, ये था आज का मेरा रिव्यू लव स्ट्रक स्टॉल एंड ग्लैंस का। आई होप सो कि आपको यूजफुल लगा हो। एंड अगर आप स्टॉल एंड ग्लैंस परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, फ्रेग्रेंस अच्छी है बट इसकी स्टेइंग जो पावर है वो अच्छी नहीं है, सिर्फ 1 आवर के लिए ही रहती है। सो मैं इस परफ्यूम के लिए आपको हाईली रिकमेंड तो नहीं करूंगी, बट अगर आप इस तरह के फ्रेग्रेंस वगैरह पसंद करते हो, नायका के परफ्यूम्स वगैरह पसंद करते हो एंड अगर आपके बजट में भी हो तो आप इसे ले सकते हो। ये था मेरा लव स्ट्रक स्टॉल एंड ग्लैंस का रिव्यू। आई होप सो कि आपको यूजफुल लगा हो। एंड इस परफ्यूम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ सकते हो। मैं इस परफ्यूम की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, या आपको ऑनलाइन ऑफलाइन नायका स्टोर पर भी मिल जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय, टेक केयर।